नमस्ते साथियों, मैं शैलजा भारतराव बरूरे योगेश्वरी शिक्षण संस्था के स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय से अंबाजोगाई। मराठवाड़ा या पूरे महाराष्ट्र में जो सूखा निर्माण हुआ है उसके महिलाओं पर क्या क्या परिणाम हुए इसका हमने एक सर्वे किया और किसान महिलाओं की कुछ मुलाकातें ली और उनके लड़के लड़कियों और कॉलेज के बच्चों से एक प्रश्नावली हमने भर के लिए है और सभी लोगों से बातचीत भी की है। हमारे निष्कर्ष ये रहे हैं कि सूखे के कारण महिलाओं को हिंसा का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर के सभी पुरुष काम न होने की वजह से घर में रहते हैं, वैसे ही महिलाएं भी बेकार हुई है। जब दोनों लोग एक साथ घर पर मौजूद है और छोटी छोटी बातों से भी उनमें बड़े से तान या तनाव आ रहे हैं और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही घर में पीने का पानी भी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। बहुत सालों से, चार दो सालों से ही अकाल या सूखा है, फिर भी गांव या जिला स्तर पर पानी का कुछ नियोजन नहीं हुआ, क्योंकि ये केवल महिलाओं का काम है पानी लाना, घर में पानी के काम करना। तो सभी पुरुषों ने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा भी महिलाओं ने बताया है कि पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। पिछले साल या उसके पिछले साल लोग पानी देते भी थे, इस साल तो सभी लोग पानी देने से भी मना कर रहे हैं। वैसे ही सूखे के कारण लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने की अभिभावक या उनके पेरेंट्स की तैयारी नहीं है। अगर घर में लड़का और लड़की पढ़ते हैं तो लड़के को कुछ शैक्षिक साधन वो लाकर देते हैं, मगर लड़कियों को तो उन्होंने घर में बिठाने की तैयारी शुरू की है। हमारे अंबाजोगाई में महाविद्यालय है दो तीन, छोटे छोटे गांव से लड़कियां आती जाती रहती थी। पिछले साल तक उनका आना जाना ठीक रहा, जून जुलाई तक हमने उनका वेट भी किया, मगर हमारे ऑब्जर्वेशन में यह आया कि इस साल बहुत ही बड़ा दुष्काल है और घर के लोग बेटियों को बच्चियों को शहर भेजने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, उन पर कुछ खर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। वैसे भी महाराष्ट्र या मराठवाड़ा में अंधश्रद्धा बहुत सारी है, उसके कारण लड़कियां या महिलाएं उपवास रखती थी, मगर इस साल तो ये परिस्थिति है कि घर में